हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ लिया था। इसके बाद अब आता है टॉपिक मेटलर्जी का। इस चैप्टर में एक टॉपिक दिया गया है अक्रेंस ऑफ मेटल एंड मेटलर्जी के रिलेटेड, तो हमें वो पढ़ना है आज, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो मेटल्स हैं किस तरीके से नेचर में पाए जाते हैं, प्लस उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आज हम इस पे स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद मेटलर्जी। मेटलर्जी, अब मेटलर्जी होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटलर्जी कहा जाता है। मेटलर्जी के देखिए, हमारे आसपास जो मेटल्स है, हमारे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सब एक्सट्रैक्टेड है। ये क्या है, बेसिकली अर्थ में पाए जाते हैं इन अ फॉर्म, ठीक है ना। वो फॉर्म में होते हैं, अभी वो पढ़ेंगे किस तरह अक्रेंस होती है, ठीक है। तो वो उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम इस फॉर्म में ले आते हैं जिससे हम यूज करते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो होता क्या है मेटलर्जी, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। जो उनका ओर है उससे मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। इस प्रोसेस को कहा गया जाता है मेटलर्जी कहा जाता है, क्लियर। तो हम इससे बात करते हैं कि ये जो होता क्या है, ओर क्या होता है, ठीक है ना। तो हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम बात करते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल। अक्रेंस ऑफ मेटल, मेटल किस तरीके से अकर करते हैं नेचर में। सबसे पहले ये चीज समझनी है कि मेटल्स जो हैं किस तरीके से नेचर में अकर करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका कंबाइंड फॉर्म या कंबाइंड स्टेट कहते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, दो तरीके से पाए जाते हैं। वन इज कंबाइंड स्टेट और दूसरा होता है नेटिव स्टेट कह लीजिए, या फिर हम फ्री स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक कंडीशन में पाया जाएगा आपका, या तो मेटल्स कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब होता कैसे समझते हैं, कौन से कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और कौन से फ्री स्टेट में। जो हमने रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, जिसमें पोटेशियम, सोडियम है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसे वाले जो हमारा रहता है, उसमें जो सबसे टॉप में हाईली एंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म, इन कंबाइंड फॉर्म ले लेते, इन कंबाइंड फॉर्म फॉर्म्स लाइक, कंबाइंड फॉर्म्स क्या होती है, ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है, क्लोराइड एक्सेट्रा, बहुत सारी होती है, ये सारी फॉर्म में पाया जाता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन, और कार्बन इस मेटल में आते हैं ना, तो ये आपका हो गया जिंक के बाद आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकल, कोबाल्ट, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स या मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है। ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इसका एग्जांपल भी एग्जांपल बता देते हैं उसका, एग्जांपल गोल्ड सिल्वर, ठीक है। कॉपर भी पाया जाता है कभी कभी, क्या होता है, कभी कभी कॉपर कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, कभी कभी फ्री फॉर्म में पाया जाता है, दोनों में स्टेट में पाया जाता है। तो मेजरली ये समझना है मैक्सिमम जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, और जो दूसरे होते हैं जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इस तरह के मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये आपके अक्रेंस ऑफ मेटल है।
तो हमें ये तो समझ आ गया कि मेटल्स क्या है, दो केसेस, दो मतलब आप कह सकते हो फॉर्म्स हैं, कंबाइंड फॉर्म और नेटिव फॉर्म या फ्री फॉर्म जिसे कहते हैं। नेटिव और फ्री फॉर्म में ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, इसको रिफाइन करो काम हो जाता है। बट जो कंबाइंड फॉर्म है इसमें क्या है, मेटल्स कैसे पाए जा रहे हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, है ना, क्लोराइड्स, इसकी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है, इनमें हमारे को एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, प्रॉपर एक्सट्रैक्शन इनमें ज्यादातर करना पड़ता है। समझ आ गया। चलिए अब हम समझते हैं बेसिकली जो आपके ये जो है ना बात कर रहे हैं ये कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और ये, तो इस तरीके से ये पाए तो जा रहे हैं, तो इनमें टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज होती है। मिनरल्स जो हम मेटलर्जी बात करते हैं तो इनमें टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, तो इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेटलर्जी के साथ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी आता है मेटल्स में, मेटलर्जी में हम बात करते हैं तो दैट इज मिनरल्स। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज मिनरल्स। अब मिनरल्स होता क्या है ये समझते हैं। मिनरल्स जो है हमारे ये वो फॉर्म्स है जो आपके कंबाइंड फॉर्म्स है जिसमें मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मेटल्स आर फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड फॉर्म्स known as minerals। ठीक है, तो हमारे ये क्या होते हैं, minerals की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो भी कंबाइंड फॉर्म में पाया जा रहा है तो वो क्या है, minerals है। ठीक है, तो हमारे मेटल्स जो मेटल के कार्बोनेट हो गए, सल्फाइड हो गए, ऑक्साइड्स हो गए, ये सब क्या है, मिनरल्स में काउंट किए जाते हैं। क्लियर। अब मिनरल्स के बाद जो सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है वो ओर्स होते हैं। वो क्या होता है, ओर्स। ठीक है, ओर्स होता क्या है ये लिख लेते हैं। दीज आर द स्पेसिफिक मिनरल्स, these are the specific minerals from which metals can be extracted economically and With ease। तो होता क्या है, ये जो सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे पास। ठीक है, हर मिनरल से आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताते हैं, आयरन जो है, आयरन हमारे ब्लड में भी है ना, तो हम अपने ब्लड से तो आयरन एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे कि जो आपके सरिया बन रहे हो आयरन ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर, ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो बहुत सारी चीजों में आपके मिलते तो है मिनरल्स में मेटल होते ही है, बट उनसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक मिनरल्स हैं जिनसे आप ना, जिसमें क्या होता है, उन मिनरल्स में जो आपका मेटल है वो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, प्लस वो मिनरल्स भी ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या करते हैं, इकोनॉमिकली और इजीली, जिन उनमें से जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से जिनमें इजीली और इकोनॉमिकली जो हम बात करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत महंगा पड़ा है निकालना, इकोनॉमिकली सस्ता होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए निकालने में, प्लस सेकेंडली वो इजीली निकलना चाहिए, उससे कोई प्रोसेस इतना खतरनाक नहीं करना पड़ेगा, सिंपल प्रोसेस है, उनको फॉलो करके निकल पाता है तो निकलता है। ठीक है, इन दोनों चीजों को देखते हुए अगर हम जिस मिनरल से मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उन्हें कहते हैं ओर, उन्हें क्या कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक मिनरल्स ही हैं जिनसे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे बॉक्साइट हो गया, इसमें एग्जाम्पल में हम बात करें तो बॉक्साइट है एग्जाम्पल, बॉक्साइट। ठीक है, आपका जो नमक होता है NaCl, तो ये NaCl कहां से निकलता है, सॉल्ट, सी सॉल्ट। ठीक है, इससे हो गया आपका। ठीक है, आपके और भी बहुत सारे हैं, आपके चीना बार हो गया मरकरी के लिए एक्सेट्रा, बहुत है।
ठीक है, आपके मतलब आप जा बहुत हर एक मेटल के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आपको वो आपको लिस्ट होती है प्रॉपरली ओर्स की, आइडिया होना चाहिए। तो अभी हम वो डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये जनरली एग्जांपल्स है। तो ओर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक मिनरल्स होते हैं जिनसे हम क्या कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, एक्सट्रैक्शन उनसे ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट वो है आपकी गैंग, ठीक है। ये होता क्या है ये समझते हैं। जो आपके जब भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखो मेटल निकाला, मेटल में मेटल कंबाइंड फॉर्म में था, है ना। तो उसके बाद जो वेस्ट बचता है बेसिकली, उसके अंदर जो कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इट इज अर्थली इम्प्योरिटीज, ठीक है। जो वेस्ट है, जो वेस्ट हमारे लिए है वो इम्प्योरिटीज है एसोसिएटेड विथ ओर, एसोसिएटेड विद ओर इज कॉल्ड गैंग, ठीक है। अच्छा होता है क्या, जैसे अब आपने क्या किया, आपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकालने लगे, तो जो मैक्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है आपका, तो उसमें क्या लाइमस्टोन, थोड़ा सा आपका मर्ड और ये सब जो होता है, ये सब कुछ इसमें आता है, गैंग में आता है, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, इनको रिमूव करने के लिए हम बेसिकली हम प्लस को यूज करते हैं। हम एक चीज यूज करते हैं प्लस, दीज आर द सब्सटेंस एडेड टू द ओर टू सेपरेट गैंग फ्रॉम द मेटल। मेटल में ये जो मेटल्स अगर हम निकाल रहे हैं तो उससे अलग मेटल के या ऑक्साइड या जो भी है उनसे इसको सेपरेट कर देता है। ये जो पार्टिकल्स हैं जैसे लाइमस्टोन हो गया या सिलिका सैंड हो गया, मतलब इनको क्या है, रिमूव आउट करने के लिए ये चीज हम फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, लाइक हमारा कोई एसिडिक कंपाउंड हो गया या फिर आपका, ठीक है ना, कोई लाइमस्टोन डाल दिया कभी आपने, तो इस तरीके से रहता है एसिडिक बेसिक या कोई और, मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दी, तो कोई ना कोई चीज ऐसी होती है आप इसमें ऐड करते हैं जिससे वो सेपरेट आउट हो जाता है। अब होता क्या है, बेसिकली जो हमारा ये है ना गैंग, इसमें फ्लक्स जुड़ता है और ये क्या बन जाता है, स्लैब। ये क्या बन जाता है, स्लैब। ये बन जाता है स्लैब। अब ये जो स्लैब है यही वो चीज है जो क्या होता है, वेस्ट। जैसे कभी आप एक्सट्रैक्शन साइट में देखेंगे कहीं पे भी, अगर आप मेटल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस देख होगा, तो होता क्या है, जब वो मेटल को पिघला के सब कुछ वो कर लेते हैं प्रोसेस, उसके बाद कुछ वेस्ट होता है वो मेल्टन फॉर्म में ही होता है मेटल का, वो वेस्ट थ्रो करते हैं, उन्हें वो वेस्ट को थ्रो करना पड़ता है, वो जो थ्रो करते हैं वो होता है स्लैब, ठीक है। तो ये वो वेस्ट पार्ट है जो मेटल के अंदर, मतलब आपका जो थे पार्ट वो फ्लक्स के साथ रिएक्शन करके, मतलब रिएक्ट होके फ्यूज करके बन गए हैं, ठीक है। तो ये फ्यूजेबल पार्ट होता है और ये क्या होता है, बाद में बच जाता है, अलग सेपरेट किया जाता है और उसे वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेटल एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये सब रिमूव आउट हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज थी जो हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या होती है हमारे ना, जो हमारे एक्सट्रैक्शन में आएगी चीजें। तो हमें सबसे पहले मेन जो चीज है हमारे लिए, बड़ा मिनरल्स क्या होना चाहिए होता है वो पता होना चाहिए, ओर्स क्या होता है वो पता लगना चाहिए, फिर उनमें जो इम्प्योरिटीज होती है उनके बारे में यहाँ पे ये चीज है, होती इम्प्योरिटीज होती है जो उसमें अर्थली इम्प्योरिटीज आ जाती है, उसको रिमूव करने के लिए फ्लक्स डालते हैं और बाद में वो रिएक्ट करके स्लैग बन जाता है जिससे कि वो सेपरेट आउट हो जाता है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम बात करते हैं मेटलर्जी, प्रॉपर जो है मेटलर्जी का प्रोसेस उसे समझते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, ठीक है, प्रोसेस या प्रोसेस इन मेटलर्जी। ठीक है, अब इमेजिन करिए ये मेटल एक्सट्रैक्ट करने का आप मतलब पूरा प्रोसेस समझते हैं कैसे होता है। तो हमारा इमेजिनेशन कैसे करना है, देखिए होगा क्या, एक साइट होगी जहां पे वो मेटल मिलेगा, उन्हें माइंस कहते हैं,
हाँ ना, माइंस वो जगह है जहां पे आपको वो पत्थर या फिर ओर्स मिलेंगे, ठीक है, चट्टाने होंगी, ये सब होगी जो चीज माइंस क्या करेगी वहां पे हमें खोदने से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब पत्थर की फॉर्म में या जो भी कह सकते हैं ओर पाए जाएंगे, है ना, तो इन्हें माइंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे वो फैक्ट्री है जहां पे क्या होगा, रिमूव आउट होगा, हाँ यार, जहां पे क्या होगा, यहां से माइन से आपने वो एक्सट्रैक्ट करके ट्रक भर भर के बीच में ट्रक्स लगा लगा के ना, तो ओर्स को सबको इधर लेके आना है ट्रक्स में, ठीक है। तो ये ट्रक्स में भर भर के यहां से ओर्स इसमें आपके आ जाएंगे फैक्ट्री में, यहां पे क्या होगा आपका मेटल एक्सट्रैक्ट होगा, हाँ यार ना, मेटल एक्सट्रैक्ट यहां पे होगा, क्लियर। अच्छा अब होता क्या है माइंस में, और इससे अगर हम ना देखो माइंस में जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पत्थर हुए भरे हुए हैं वो सब है, एक उसमें वहां पे क्या होता है, एक मतलब आप जैसे जेसीबी होती है ना, ड्रिलर्स होते हैं, ये होते हैं क्रशर्स, वो ड्रिलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं उसको वहां से पत्थरों को तोड़ते हैं। अब उन पत्थरों को अगर मैं एज इट इज भर भर के ट्रकों में भेज दूं आगे, तो होगा क्या, जब यहां पहुंचेंगे तो उनमें जो पत्थर है आपके उसमें ओर्स तो क्या होंगे, कम होंगे, प्लस उसके साथ साथ उसमें डस्ट डर्ट ये पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो होगा क्या, कल की डेट में यहां से जब हमने पत्थर उठा उठा के डायरेक्टली अगर डंपिंग कर दी इसके साथ, तो यहाँ पे जो वेस्ट होगा उनसे पहाड़ बन जाएगा, किसका, मिट्टी विट्टी ये जो सब है उनके पहाड़ बन जाएंगे। और कंपनी में क्या हो जाएगा, इस फैक्ट्री में आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस करने पड़ेंगे, बड़ा एरिया चाहिए होगा इस फैक्ट्री का, हाँ या ना, तो ये जो इसमें डंपिंग एरिया भी बहुत बड़ा चाहिए होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, कैसे, आपने क्या किया, सपोज करो एक चट्टान उठाई, आपने एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया इसके ऊपर रख दिया, है ना, वो चट्टान था। अब उस चट्टान में क्या होगा, उसमें 60% मान लेते चलो मेटल भी था, है ना, तो 40% वेस्ट था, मिट्टी थी, 40% तो मिट्टी ही थी, तो वो 40% को हमें खाली ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें वो जो 40% लाना लेके आ रहे हैं हम वेस्टेज बेकार सब चीज, हम जो मिट्टी लेके आ रहे हैं खाली मिट्टी है वो, है ना, 60% को भी और रिफाइन करेंगे तो और कम मेटल मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है कि 70-80 के 70-30% हो जाता है, 70% आप वेस्टेज ही लेके आ जाओगे ऐसे, अगर आप डायरेक्टली वहां से चट्टान तोड़ी पत्थर को भरा उसमें और आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो आपका जो एक जो ट्रिप लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज में कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपको गाड़ी में पैसा देना पड़ेगा ना गाड़ी वाले को, तो हर एक ट्रिप का पैसा लगता है, पेट्रोल लगता है, सब कुछ लगता है, तो होगा क्या, ये जो आपका जो है ना प्रोसेस महंगा पड़ जाएगा, क्यों, इतनी बार आपने गाड़ी मूव कराई और एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ हो पाया, कभी कभी ऐसा होगा कोई बड़ा सा पत्थर आपने डाल दिया वो सारा का सारा मिट्टी ही निकला 100% मिट्टी, तो वो तो पूरा ही वेस्ट हो जाएगा, हाँ है ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ऐसा ना हो तो माइंस में ही यहीं पे एक क्रशर लगा होता है, इधर ही एक चीज लगती है क्रशर, ठीक है। इस क्रशर का काम बेसिकली क्या होता है, आपको माइंस में ही दो चीजें मिलेंगी, ठीक है, एक तो हो गया क्रशर, क्रशर का काम क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, समझ लो। तो इससे क्या होगा, जब ये ब्रेक करेगा उसे, तो एक तो क्या ज्यादा क्वांटिटी आ पाएगी, ठीक है, तो बड़े बड़े अगर हम जैसे कंटेनर रखना एग्जाम्पल होता है, तो अगर एक चट्टान अगर ऐसी टूटी फूटी आ गई, है ना, तो ये एक चट्टान ही भर गई है, ठीक है, इस तरह से कोई चट्टान आ गई तो ये है, बट अगर हम इसको क्रश कर देंगे तो ये पाउडर की फॉर्म में हो जाएगा, पाउडर या छोटी छोटी कंकड़ की फॉर्म में, तो यहां तक ही भरेगा। इससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, इसमें और बड़े बड़े पत्थर भी ऐड कर सकते हैं, समझा, तो क्वांटिटी आप ज्यादा ट्रैवल कर पाएंगे। तो एक क्रशर होता है यहाँ पे, जो क्या करता है, जो पत्थर टूट रहे हैं उनको क्रश कर देता है, तोड़ के छोटे छोटे पाउडर की आप छोटी छोटी कंकड़ियां गिट्टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर, सबसे पहले चीज। सेकेंड यहां पर क्या होता है, कंसेंट्रेटर होता है। कंसेंट्रेटर क्या होता है, बेसिकली ये एक पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म होता है यहाँ पे बना हुआ, जिससे कि क्या होता है, जो मेटल है, हमें जो मेटल चाहिए उसका ओर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो, इस जगह पे क्या होता है, डस्ट डर्ट स्लैग मतलब जो चीजें बेकार बेकार चीजें हैं वो सब रिमूव हो जाती है, ठीक है, तो डस्ट रिमूव हो जाएगा यहाँ से, आपका जो अदर चीज है यहाँ पे डस्ट होगा डर्ट हो गया, प्लस अनअवॉइडेबल मतलब जो तुम काफी सारे जो मतलब पत्थर होते हैं ना स्टोन्स हो गए वो सब रिमूव हो जाता है यहाँ से, तो उसको कंसेंट्रेटर की फॉर्म में यहाँ पे होता है।
अब ऐसा होने के बाद क्या होगा, जब अगर हम ट्रक में अब भरेंगे तो अब क्या होगा, जो आप भेजोगे, आप ओर भेज रहे हो, 80-90% तक आपका हो जाएगा, 80-90% आप ओर ही भेजेंगे, 10% वेस्टेज होगा जो कि फैक्ट्री में तभी भी रिमूव आउट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, मतलब जो आपकी रिफाइनिंग होगी। ठीक है, तो आप ध्यान दो, तो इसमें तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस होता है जो यहां होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहला प्रोसेस होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। तो मेटलर्जी में हम प्रोसेस समझ आ रहा होगा, पहला काम है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। होता कहां है, ये माइनिंग साइट के आसपास ही कराया जाता है, ज्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं है, माइनिंग साइट के पास ही एक बड़ी मशीन लगी होगी, क्रशर लगा होगा, उसके साथ साथ आपका ये कंसंट्रेटर लगा होगा, मतलब मैकेनिज्म। अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से कंसंट्रेटर्स होते हैं, किस टाइप के कंसंट्रेटर्स होते हैं, वो लगे होते हैं और वो क्या करते हैं, आपके जो मेटल्स जो ओर है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं जो आप सेंड करने वाले हो ट्रक्स में। ठीक है, थोड़ी दूर जाके रिफाइनरीज होती है जो जहां पे मेटल एक्सट्रैक्ट होगा और रिफाइंड होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेटर होता है। सेकंड क्या होता है, प्रोसेस मेटल एक्सट्रैक्शन, फिर इन ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड थर्ड इज रिफाइनिंग। तो ये तीन प्रोसेसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जी में। ठीक है, तो मेटलर्जी आपको समझना है, प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी में तीन प्रोसेस होते हैं। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसका काम बेसिकली क्या है, कॉस्ट को बचाने के लिए, कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या जो हमारा बार बार है ना वेस्टेज हो जाएगा कि हम इधर से सारा सामान उधर लेके चले गए, डंप कर दिया हमने बहुत सारा, तो उसको रिमूव कर बचाने के लिए कंसंट्रेशन यहीं पे होता है माइनिंग साइट पे। फिर सेकंड जो होता है मेटल एक्सट्रैक्शन, जो मेटल अब इसमें जो ओर जो आया, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे प्लस रिफाइन कर देंगे, अब यही क्या हो जाएगा, रिफाइनिंग है ना। तो मेटल्स की रिफाइनिंग और एक्सट्रैक्शन एक ही साथ हो जाता है, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग जगह पे कर देते हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेसेस आपके होते हैं। तो प्रोसेसेस इन मेटल, आपको मेटलर्जी में बात करें तो तीन होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग। ठीक है, तो इनको समझते हैं, समझ आ गया होगा क्या है, मतलब क्यों हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन चीजों को बाद में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो हमारे को सबसे मेन चीज है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में जो हमारे को जो चीजें ऐसी हैं जो सिंपली हम ज्यादा मैकेनिज्म केमिकल रिएक्शन नहीं करनी है, फिजिकल प्रोसेस से जो चीजों को हम रिमूव कर सकते हैं उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, इन दिस मेथड अर्थली इंप्योरिटीज लाइक क्या क्या है, डस्ट, डर्ट एंड अदर इंप्योरिटीज आर रिमूव, अदर इंप्योरिटीज आर रिमूव रिमूव टू मेक द ओर कंसंट्रेटेड, मेक द ओर कंसंट्रेटेड। अब जो आप सोच रहे होंगे कि ओर में कोई मेटल चमक रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ओर इज अ पत्थर, जैसे मतलब आप स्टोन होता है ना उसी तरीके से दिखता है ओर, और कोई डिफरेंस नहीं होता, बस वो स्टोन जैसा ही दिखाई देता है। उसी स्टोन को हमें क्या करना है, कंसंट्रेट बनाना है, उसमें से जो मिट्टी विट्टी जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ पार्ट उसमें है वो सब हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस यूज करते हैं, ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो उनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए सबसे पहला मेथड जो होता है यूज करते हैं, ठीक है, वो है आपका ग्रेविटेशन सेपरेशन। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो आता है वो है आपका ग्रेविटेशन सेपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, चलो इसको डायग्राम बनाते हैं। होता क्या है, हमें ये जो यूज होता है, पहले तो ये समझना है ये कहाँ यूज होता है।
ग्रेविटेशन सेपरेशन क्या होता है, जिस बेसिकली डर्ट डस्ट इसको रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। कुछ मेटल ओर्स होते हैं जिनमें खाली हमारे को पता है मिट्टी ही पाई जाने वाली है, ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें ना इस टाइप का एक कन्वेयर बेल्ट बना देते हैं और इस टाइप की ट्रॉलीज होती है उनमें, ये स्टेप्स कह लीजिए, ठीक है, इस तरीके प्रॉपर कन्वेयर बेल्ट होती है, इस तरह से बना होता है, ठीक है। होता क्या, आपने वो देखा होगा है ना, आप हम जो घर में वो करते हैं जैसे गेहूं साफ करते हैं या फिर आपका है ना चावल साफ करते हैं, तो वो उछाल उछाल के आप है ना विनोइंग टाइप का यूज करते हैं, तो क्या होता है जब आप रूम ऐसे उसको बार बार उछालते हैं तो जो चावल है वो क्या जो हाई डेंसिटी वाले हैं वो तो बैक साइड आ जाते हैं और जो लो डेंसिटी वाला वो सेपरेट आउट हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स है उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो रिमूव हो जाती हैं। सेम कंसेप्ट ये है, जब ये कन्वेयर पे ऊपर जाता है ना तो ये इसको क्या करते हैं वाइब्रेशन करके भेजते हैं, तो जब वाइब्रेशन होता है तो जितने भी आपके जो वो है ना डस्ट पार्टिकल जो भी है वो सब नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ग्रेविटी ग्रेविटेशन सेपरेशन क्या लगे, ग्रेविटी सेपरेशन क्या लेते हैं कभी कभी, ग्रेविटी सेपरेशन इसके साथ साथ ऐड कर देते हैं कभी कहीं भी, क्या होता है हाइड्रोलिक सेपरेशन भी जुड़ जाता है इसके साथ ही, तो दोनों एक ही साथ बता देते हैं आपको, समझ रहे हो क्या हो रहा है। कन्वेयर में आप क्या है कंटेनर्स है और इसमें क्या है आप उसको फीड कर देते हो और ये ना ऊपर मूव करते रहते हैं और जस्ट शेक करते रहते हैं, तो जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब नीचे निकल जाता है, इससे खाली ओवर जो है वो बचा रह जाता है, जो पतले पतले बहुत माइन्यूट डस्ट पार्टिकल है मिट्टी जो है वो सेपरेट होकर वो नीचे गिर जाती है इसके अंदर, समझ आ गया, ठीक है। ये है प्लस अगर कभी कभी क्या करते थे वो बोलते हैं यहां से क्या करते थे पाइप लगा देते हैं वाटर का, ठीक है, यहां से वाटर आ जाता है तो ये जो वाटर है वो इन कन्वेयर से इनके अंदर से पास होता है, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं हम सबको लेके मड की फॉर्म में यहां पे स्टोर किया जाता है, समझ आया। तो ये भी तरीका है, आपने क्या करना है इसमें ऐसे प्रोसेस समझ ले कैसे होता है, कैसे होता है, आपने क्या किया पत्थर लिया चटानाई उसको तोड़ा क्रश किया छोटे-छोटे और छोटा बनाने की कोशिश करी, जितना छोटा हो पाया हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइज में आपने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अब वो क्या जो आपने किया ना तो वो क्या है डस्ट और सब कुछ मिला के आएगा, आपकी जेसीबी जाएगी उठाएगी उसे, उसमें डस्ट भी होगा मिट्टी भी होगी सब कुछ होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया उसको एक कंटेनर में फिल कर दिया, अब ये मूव कर रहे हैं ऊपर को, ठीक है, और होगा क्या कि हल्का हल्का वाइब्रेट करता रहेगा और खाली ग्रेविटी वाला है खाली ग्रेविटी सेपरेशन तो खाली वाइब्रेट करेगा, तो डस्ट पार्टिकल जो है धूल मिट्टी जो है नीचे गिरेगी और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी इस एरिया में, क्लियर। अगर सपोज करो इस तरह हाइड्रोलिक जुड़ गया, हाइड्रोलिक में क्या होता है जनरली क्या होता है डस्ट वाले से ना धुआं धुआं हो जाता है ज्यादा है ना, तो धुएं धुएं में क्या होता है प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, मुंह बांध के काम करना पड़ता है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत अंदर जाते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर पानी छोड़ देते हैं है ना, एक पाइपलाइन लगा देते हैं तो पानी जाता है, तो वो क्या होता है जितना भी वो आपका वो है ओर है वो सब गीला होता हुआ चल जाता है, जितनी भी मिट्टी है वो सब अपने अपने साथ डिजॉल्व करता है, डिजॉल्व क्या अपने साथ कैरी करता है और मूव करके करते करते वो इकट्ठा अलग हो जाता है, समझ आ गया, ठीक है। ये ज्यादातर आपको गोल्ड गोल्ड वाली अगर आप देखेंगे कभी तो गोल्ड जो सेपरेशन है उसमें भी ये यूज होता है, तो देखो उसमें उसमें क्या होता है वहां पे वो क्या होता है गोल्ड वाले में जनरली क्या करते हैं वो नदी के आसपास देखते हैं, नदी है कोई फ्लो कर रही है, ठीक है, वो नदी नीचे को जा रही है इस तरह से हल्का सा फ्लो नीचे होता है, तो वहां पे वो क्या करते हैं ट्रे लगा देते हैं, ठीक है, उसमें ऐसे जालियां बनी होती है और इस पे क्या करते हैं वो बार बार जो खोद रहे मिट्टी है ना जिसमें गोल्ड की उनको लगता है कि गोल्ड है वो डालते हैं और पानी क्या करता है उसमें से मिट्टी रिमूव कर देता है और यहाँ पे क्या खाली वो मेटल सच्चा छोड़ देता है, समझ रहे हो। तो आप ये बहुत सारा आपसे देख सकते हो आजकल में है ना, ये मतलब आपको तो अवेलेबिलिटी है ना, देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे गोल्ड एक्सट्रैक्शन वाले हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी में आते हैं या फिर आप मतलब तो उनमें ये चैनल्स में बहुत सारा देखने को मिलता है गोल्ड माइनिंग और ये सब चैनल्स हैं, तो उनमें ही आपको देखने को मिल जाएगी वैसे ये ट्रेस ही लगा देते हैं, तो क्या होता है वो उससे पानी आता है और पानी से क्या हो जाता है आपका जो ओर है वो ओर तो यहीं रह जाएगा ओर तो यहीं रह जाएगा, ठीक है, इसके साथ जो पानी के साथ मिक्स हो गए ना तो डस्ट और पार्टिकल सारे मड की फॉर्म में इधर गिर जाते हैं, तो इस टाइप के सेपरेशन को कहा जाता है ग्रेविटी सेपरेशन या फिर कहते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन, दोनों में से एक चीज आप दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ग्रेविटी और हाइड्रोलिक सेपरेशन समझ आ गया, ठीक है।
तो होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये कहां पे यूज होता है ये समझ लेते हैं। दिस सेपरेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट हाई डेंसिटी ओर्स फ्रॉम लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज, ठीक है, लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता था, ये जो आपने हाइड्रोलिक वाला कही, इसकी जगह पे हाइड्रोलिक की जगह पे क्या यूज करते थे, जो आपका फैन होता है ना, बहुत बड़े बड़े फैन, वो फैन को यूज कर लेते थे। तो होता क्या था, जैसे आपका ये इस तरह से है, ये ओवर आता था, कभी कभी इस तरह से भी करते थे, पहले ये आया ओवर और यहां से आगे इसको डंप कर रहा है, वो यहां से ऐसे घेर रहा है, ठीक है। यहां पे आपने क्या लगा दिया, बहुत बड़ा फैन लगा दिया, ठीक है। होगा क्या, विनोइंग प्रोसेस हमने पढ़ा है, विनोइंग प्रोसेस उसी तरीके से होता था। तो जितनी भी हवा तेजी से आती थी इसके ऊपर से, तो ये डस्ट पार्टिकल सारा उड़ के इधर गिर जाता था और एक और यहाँ पे कंटेनर में गिर जाता था, ठीक है। तो ये होता था इतना, देखो इसमें एक दो प्रॉब्लम थी, एक तो प्रॉब्लम क्या थी, वो धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, वही प्रॉब्लम जो हैजार्डियस होता है लोगों के लिए। सेकेंड इसमें क्या होता, एक और चीज थी कि इसमें ना उतना ज्यादा एफिशिएंट सेपरेशन नहीं था। तो अभी क्या करते हैं, जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी है तो वहां पे तो वाटर को सप्लाई कर देते हैं, जहां पे नहीं है तो वहां पे क्या करते हैं, वही चीज आज भी यूज करते हैं, क्लियर, समझ आ गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इससे क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल हमारे ट्रकों में भर के चले जाता था फैक्ट्री में, वो जाना कम हो जाएगा, क्योंकि वो सेपरेट आउट हो जाएगा यहाँ अलग से, और इनको इकट्ठा करके वो क्या होता है, देखो ये तो ऐसा नहीं है मिट्टी खराब है, बहुत अच्छी मिट्टी होता है, ये बिकता है डस्ट की फॉर्म में, डस्ट हो गया, ठीक है। तो ये डस्ट जो आपके बिल्डिंग्स बनती है ना, तो उनमें डस्ट यूज होता है, तो डस्ट की फॉर्म में ये चीज बिक जाती है, डस्ट हो गया है ना, सैंड हो गया, उस तरह से बिक जाता है। तो और ये कंस्ट्रक्शन, जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पे ये चीज यूज हो जाती है, क्लियर। चलिए, एक तो मेथड हो गया, दूसरा मेथड यूज होता है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा मेथड जो है वो है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक वर्ड समझते ही आ गया होगा आपको क्या होने वाला है यहां पे। ये ज्यादातर यूज होता है आयरन ओर्स के लिए, ठीक है, आयरन ओर्स के लिए, या फिर उन ओर्स में जिनमें आयरन पड़ा है, ठीक है, वो ओर्स जिनमें आयरन भी पाया जाता है, तो वहां पे इनके लिए यूज होता है, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे ओर्स हैं अदर मेटल्स के जिनमें आयरन होता है, तो ये उनको उस टाइम पे हेल्प कर जाता है। क्या होता है इसमें, होता है क्या समझते हैं, ये होता है हॉपर, ये होता है हॉपर, वो जो हमने पाउडर क्रश किया, वो क्रश करके वो सारा इसमें डाल दिया, ठीक है, ये सब डाल दिया, ये हॉपर आगे ये सारा जो मटेरियल है इसको कहां डालेगा, एक कन्वेयर बेल्ट में, ये सारा यहां से हल्के हल्के कर करके गिरता रहेगा कन्वेयर बेल्ट में, अरे कन्वेयर बेल्ट में आगे ट्रेवल करेगा, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट इधर घूमती है, ठीक, यहां तक समझ आ गया, कन्वेयर बेल्ट में इस तरह से चलता रहेगा। अब होगा क्या, जब ये एंड को पॉइंट पे पहुंचेगा, अब इसे गिरना है, ठीक है, यहां पे जब अभी गिरने का टाइम है, ठीक है, जैसे गिरने का यहां पे ये जो हुआ गिरने का टाइम ये आया, तो यहां पे एक ना बॉल एक सेपरेशन लगा देते हैं, ठीक है, और इधर को इस साइड को बना होता है मैग्नेट, इधर लगा होता है मैग्नेट, तो यहां से जो मैग्नेट वाला है वो अपनी तरफ को ओवर वाले पार्टिकल को खींच लेगा और डस्ट पार्टिकल आगे गिर जाएगा, तो ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेट्स के हेल्प से ये क्या कर लेते हैं, इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्लियर। ये मैग्नेट लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसकी हेल्प से ये कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से करते हैं, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा इस तरीके से ना करके दूसरा तरीका क्या करते हैं, एक पाइल लगा देते हैं बहुत बड़ा पाउडर में, जो आपने क्रश किया है सबका, ठीक है, ऊपर से क्रेन आती है, उसमें बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, वो उसको करता है, इसमें मूव करता है दो तीन बार ऐसे,
उठाता है जितना भी हुआ है मेटल वाला पार्ट है वो सारा स्विच बन जाएगा आयरन वाला पार्ट, और उसे ले जाके दूसरी जगह पे डिकम्पोज कर देता है, मतलब डिपोजिट कर देता है, समझ आ गया। तो इस तरीके से भी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से आपका सेक्रेशन होता है, क्लियर समझ आ गया। तो ईजी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने 9th में वो भी पढ़ा है ना मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो उसमें भी मैग्नेटिक सेपरेशन सिंपल बात है, क्या होता है जिसमें आयरन का पार्टिकल आयरन के कण है ना, तो उसको ये सेपरेट करने के लिए यूज होता है। तो ये होता क्या है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट ores containing iron using the property of metal, using the property of magnet, properties of magnet, magnetic properties की help से ये काम होता है, clear? तो magnetic separation समझ आ गया, gravity separation, hydraulic separation और ये तीसरा magnetic separation, ठीक है, एक ही हो गया। फिर अगला आता है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये है फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये स्पेशल टाइप के उसमें होता है, थर्ड फ्रॉथ FRO फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ये याद रखना सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, ठीक है, सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में वाटर भर रहा जाता है और ऊपर से भर देते हैं ऑयल, ठीक है, इसको कंटेनर को ढक्कन लगा दिया ऊपर से, एक इसमें स्टीरर लगा है, स्टीरर बहुत बड़ा स्टीरर होता है, इसमें यहां से ओर को डंप किया जाता है ओर, और इस स्टीरर को घुमा देते हैं, ओर को डंप करने के बाद इस स्टीरर को घुमा देते हैं। अब होता क्या है, जब ये घूमता है तो जब हम ऑयल को पानी में ऐसे मिक्स करने की कोशिश करेंगे, स्टीरर घूमेगा तो इसमें झाग बन जाता है, फोम, ये झाग बनता है इसके ऊपर, ठीक है, ये झाग बनने लग जाता है, फोम सा बनने लग जाता है। अब जो ये जो आपका सल्फाइड ओर होती है, इनकी खास बात प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सल्फाइड ओर ऑयल के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जो सल्फाइड ओर्स होंगे ना, डिसॉल्व्स या स्टिक करते हैं, स्टिक्स विद ऑयल, ये ऑयल के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, जो भी सल्फाइड ओर है वो कहां होगा, ऑयल के साथ चिपक जाएगा। अब उसके बचावा, उसके बाद जो वेस्ट, जो हमारे लिए, देखो हमें ओर निकालना सल्फाइड ओर, तो सल्फाइड तो हमारे अलग से मिल गया, वो ऊपर तेल पे चिपका रह गया, उसके बाद जो बचा है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है, नीचे आपका वाटर में नीचे जाके ऐसे ये हो गया, ये आपने यहां पे क्या आ गया, गैंगी, ठीक है, गैंगी यहां पे आके स्टोर हो गया, मतलब वेस्ट है हमारे। फिर ये क्या करते हैं, ये इस चीज को पूरे को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से ऑयल को सेपरेट कर देते हैं, सल्फाइड और आपको मिल गया, और जो ये बातचीत बाकी बचा हुआ है, जो वेस्ट है, मिट्टी विट्टी जो भी सब है, इसको फ्लश आउट करके, रिमूव आउट करके क्लीन कर देते हैं कंटेनर को, और आपको इस तरह से सल्फाइड ओर कंसंट्रेट हो जाता है। समझ आया नहीं है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ध्यान ही लेते हैं, इन दिस सेपरेशन ओर्स आर सेपरेटेड, ठीक है, बेसिकली समझ लिया कौन सा सल्फाइड ओर आर सेपरेटेड एज दे है ना आर वेटेड, मतलब उस हम कह सकते हैं वो ना जो वेटेड होगा ना, मतलब उससे अधिक मिल जाना, वेटेड विथ ऑयल बट नॉट वाटर, इस प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या करते हैं, सेपरेशन कर देते हैं। तो यहां जो ऑयल होता है इसमें जब हम घुमाते हैं, स्टीरर करते हैं बहुत तेजी से, देखो ऐसा होगा जब आप एक साथ डालोगे ना तो कुछ
सल्फाइड वो नीचे भी चल जाएगा क्योंकि वो मिक्स हो रखा है उसके साथ, तो वो नीचे चले जाएगा। इसको स्टिर किया जाता है, घुमाया जाता है बहुत देर तक, तो होता है क्या, उससे क्या होगा, ये पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, दूर होंगे, जो भी सल्फाइड होगा वो तैर के ऊपर आ जाएगा, और वो ऑयल से, क्योंकि ऑयल चिपका हुआ है ना उससे, जब वो जा रहा था नीचे तो ऑयल चिपक गया उसके साथ, तो ऑयल जब चिपका तो वो गीला तो हो गया। अब जो ऑयल है वो लो डेंसिटी होती है, ऑब्वियस बात है थोड़ी देर बाद आप रखेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, है ना। स्टिर किया, तेजी से झाग बना, छोड़ दिया थोड़ी देर तक के लिए, जितना भी जो जिसमें ऑयल चिपका हुआ है वो सारे ऑयल वाले जो है वो सब ऊपर चिपक के आ जाएंगे, ऊपर वाले को निकाला सल्फाइड और आपका सेपरेट आउट हो गया। इस तरीके से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, समझ आ गया। चलिए ठीक है, फ्रॉथ एफ आर ओ टी एच होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन नॉट ए, ठीक है, एफ आर ओ टी एच फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ये जो झाग बनता है उसे फ्रॉथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, उसके बाद आता है फोर्थ, बायोकेमिकल सेपरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को एक और नाम से जाना है लीचिंग, इसे क्या कहा जाता है, लीचिंग। इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के जो आपके कुछ स्पेशल टाइप के ना ये केमिकल्स होते हैं उनके साथ हम क्या कर देते हैं, उस मेटल को रिएक्ट करा देते हैं जिससे कि वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है और वो सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है, इन दिस मेथड मेटल्स आर सेपरेटेड यूजिंग वेरियस केमिकल्स which reacts and forms substance that can be easily separated ये जो इजीली सेपरेट हो सकता है उसके लिए हम बात करते हैं। कैसे होता है ये समझते हैं, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो गोल्ड जो है, गोल्ड ना आपको पता है, गोल्ड ना रिएक्ट तो करता नहीं किसी चीज से। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि ये कंपाउंड है, उसमें क्या है, गोल्ड मिला हुआ है, गोल्ड है, ठीक है। एक सपोज करो ये कुछ ऐसा है जिसमें कॉपर और गोल्ड है, इसमें कॉपर है प्लस गोल्ड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब मुझे इसमें से कॉपर और गोल्ड को अलग करना है, तो कैसे करें, ठीक है। तो इस ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक केमिकल को यूज़ करते हैं। हमें पता है गोल्ड की प्रॉब्लम, गोल्ड के बारे में एक चीज़ पता है, गोल्ड एक ही खाली एक ही एसिड है जिसमें डिसॉल्व होता है, जिसे कहते हैं एक्वा रिजिया। तो हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे एक्वा रिजिया में, एक्वा रिजिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोलोगे कितने सारे याद करने पड़ेंगे, क्या नहीं याद नहीं करने का, बस आपको आइडिया होना चाहिए क्या होता है मेटलर्जी में, ठीक है। तो एक्वा रिजिया में डाल दिया। अब ये क्या होगा, ये जो एक्वारीज है ना, इसमें से क्या करेगा, गोल्ड को तो अपने साथ क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा, कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है बेसिकली, और भी कंपाउंड होते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक्वारीज हो गया, और भी नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजें यूज की जाती है जिससे कि सेपरेट हो जाए, ठीक है। उनमें अब क्या होगा, जब ऐसा हो जाएगा, गोल्ड इसमें अलग आ जाएगा लिक्विड में डिसॉल्व होकर, फिर उसे हम सेपरेट कर लेंगे, फिर उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी मेथड और यूज होता है उससे, समझ आ गया। तो हम ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिनको यूज करके हम ये करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख सकते हैं, तो आपका जो आपका आयरन है, ठीक है, तो उसको एक थर्माइट रिएक्शन होती है, अभी हम पढ़ेंगे थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, बेसिकली एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा क्या होता है, उसमें थर्माइट वो रस्ट यूज, उसमें रस्ट से जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है ना, उससे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। तो वो जो कुछ केमिकल्स हैं जिनको हेल्प, जिनको रीजन से हेल्प हम रिएक्ट करवाएंगे और हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उस मेथड को ये कहा जाता है। जो चौथा मेथड है वो है केमिकल सेपरेशन, क्लियर। तो ये उनमें किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको कहा जाता है लीचिंग, इस प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है लीचिंग, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक्स, और भी मेथड्स हैं आज के डेट में तो यूज होते हैं, लेकिन हम कुछ जो हम बेसिक्स की बात करें तो वो यही है।
ये हमारे मेथड यूज होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर समझ आ गया, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपका मेटल का एक्सट्रैक्शन है। देखो हमने यहाँ तक बात कर ली जो माइनिंग प्रोसेस तक होता है, कंसंट्रेशन तक, अब हम बात करेंगे मेटल एक्सट्रैक्शन और उसके रिफाइनिंग के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके, आज के लिए।